घर 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 तुलसी ठाकुर सेवा भोजन दूध दधी को माई माने लागे वृंदावन नी को। हमारा पूरी व्यवस्था हमारी संस्कृति संस्कार हर 18 किलोमीटर बाद बोली बदलती है। तुम्हारी वेशभाषा तुम्हारी तुम्हारा भोजन लोग तो डबल रोटी खा खा के पेट में भकोस लेते हैं। ये व्यंजन और उन व्यंजनों में जिस तरह का हमारे यहाँ किस चीज को किस से छोंका जाएगा इसके पीछे भी साइंस है। इसलिए तो कड़ी को मेथी से छोंकती हो, इसलिए तो बैंगन के अंदर दो चार लौंग डाल देती हो ताकि उसकी तासीर बदल जाए। भारत की देवियां इतनी बड़ी वैद्या हैं, रसोई से लेके, पहले तो जल्दी कोई डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था, घर के अंदर सारी व्यवस्था होती थी ना कि नहीं होती थी, बताओ। ऐसे राजस्थान के थाल देखने को मिलते हैं, बड़ा थाल छोटी छोटी कटोरियों में परोसा हुआ भोजन मनुहार करके खिलाना है ना, ऐसा ही तो है। अभी तो बफे सिस्टम है और इतनी भीड़ जब वहां टूटती है भोजन के लिए तो लगता है दो सींग होने चाहिए ताकि सींगों से घुस के वहां जगह बना के पा लें कुछ खाने को। पानीदार आदमी तो जाए ही ना वहां, क्या घुस के भैंसों की तरह सानी सान दी है, बस खाओ नहीं तो जहन्नम में जाओ। किसी को मना के खिलाने की फुर्सत कहाँ है। पहले लोग मनाते थे, मनुहार करते थे, और मनुहार कितनी सुंदर अद्भुत कहो ना। लेकिन आज भी राजस्थान में ये संस्कृति का दर्शन होता है, देख के मन धन्य हो जाता है। और राजस्थान के पुत्र दुनिया में जहां जहां गए वहां वहां अपने संस्कारों को लेकर गए। और एक बात आज मैं गौरव से कहती हूँ मेवाड़ वालों के, मैं दुनिया में जब भी किसी मंदिर की ध्वजा देख लेती हूँ दूर से तो मुझे पक्का हो जाता है कि जरूर राजस्थान की धरती के पुत्रों का घर आस पास होगा। तुम जहां भी गए वहां मंदिर लेकर गए, यज्ञ लेकर गए, देव पूजा लेकर गए, और जितना भी शुभ कार्य हो रहा है, हमारे नंद किशोर जी ने आज ये बात कही कि जितने भी राष्ट्र के काम हो रहे हैं, अगर कोई बात करो तो कलकत्ता जाओ मुंबई जाओ तो कौन घर है, तो फिर समझ में आता है कि मारवाड़ियों के घर, मेवाड़ियों के घर, शेखावाटी वालों के घर वही घर है जिनके चूल्हों पे संत के लिए भोजन बनता है और भगवान को भोग लगता है। ये सौभाग्य आपने अर्जित किया है। गोमाताओं के रक्षण की जिम्मेदारी किसको है, लक्ष्मी पुत्रों को तो होगी ना, क्यों। और तुमने पूजा की आराधना की तो भगवान ने तुम पे कमी नहीं छोड़ी, तुम पे जी भर के अपने कृपा की वर्षा की है। परिश्रम तो सब करते हैं लेकिन परिश्रम के साथ जो गोविंद की धारणा को चित्त में धारण करते हैं, असली अमीरी उन्हीं के पास होती है। उनकी जिंदगी में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती जो गोविंद के चरणों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा धन गोबर धन, और भगवान ने गोवर्धन उठाया धन, तो तुम भी कोई गोवर्धन उठाओ, कोई संकल्प का गोवर्धन सोचो, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी से प्रारंभ करो। जिनको व्यसन की आदत है वो सोचो कि व्यसन नहीं करना, आज ये संकल्प का गोवर्धन उठाओ। तमाकू खा खा के सारे दांत बिगाड़ दिए, जिगर जिंदगी भर न छोड़ूंगा तुझे, मर्द का कॉल है तुमसे, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा चाहे गाल में कैंसर हो जाए। अच्छी बात है, बोलो ना। अब तुम भले ही नाराज हो जाना, नाराज होते रहो मेरा क्या बिगाड़ोगे, व्यास पीठ पे बैठ के सच कहना चाहिए। भगवान ने गोवर्धन उठाया, हमें भी गोवर्धन उठाना है। राष्ट्र की बात बाद में, व्यक्तिगत बात बात पे गुस्सा होना चाहिए क्या, सोचो। और हम लोग भी बचे नहीं, वो व्यासपीठ पे बैठते हैं और मुंह में पहले तमाकू दबाते हैं। किसी ने कहा देखो आप जब बोलते हो ना आपके मुंह से थूक निकलता है और पोथी पे गिरता है तो बहुत बुरी बात है ना, तो वो बोले किसने कहा मेरे मुंह से थूक निकलता है, अरे मेरे मुंह से तो साक्षात गंगा मैया प्रवाहित होती है।
बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो एक लड़का आया, उसने क्या किया कि पंडित जी को, वो कथावाचक जो थे ना, उनको एक पुड़िया में बांध के प्रसाद दिया। कथावाचक जी खा गए प्रसाद, फिर देखा कि कैसा प्रसाद है, सत्यनारायण का चूरमा भी नहीं, नमकीन भी नहीं, मीठा नहीं, ये कैसा प्रसाद है। तो बोले भैया ये क्या खिला दिया मुझे। बोले कल आप कह रहे थे ना कि मेरे मुंह से जब मैं कथा करता हूँ साक्षात गंगा मैया प्रवाहित होती हैं, तो मेरे दादाजी कहते कहते मर गए कि बेटा मेरी हड्डियाँ हरिद्वार जाके गंगा जी में ही डालना, तो मुझे मौका मिला नहीं, सोचा अब घर ही गंगा आ गई तो फिर कल्याण कर देना चाहिए दादाजी का। उसके बाद कथाकार जी के मुंह से आज तक गंगा नहीं निकली। कभी कभी हम अपनी दुर्बलताओं को आदर्शों से ढकने की कोशिश करते हैं। क्या संकल्प करना है देवियों? दुर्व्यसन छोड़ने हैं, बुराई छोड़नी है, इसके संकल्प को धारण करना है। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन अगर हम प्रतिबद्ध होंगे तो फिर हम ये कर लेंगे, हम कर लेंगे। गौरक्षण का संकल्प करो, गौ माताओं का संवर्धन का संकल्प करो, अपनी संतानों को भारतीय संस्कार दिए जाएं, ये संकल्प करो, ये संकल्प करो, धारण करो इस संकल्पना को। एक और संकल्प करो देवियों कि जिंदगी में कभी समस्या को बड़ा नहीं मानोगे। सात्यकी जी और दाऊ जी और कृष्ण कन्हैया तीनों जंगल में गए थे और जंगल घनघोर था, दो जने सोएंगे और एक जना पहरेदारी करेगा। पहले सात्यकी जी ने पहरेदारी शुरू की, दाऊ और कन्हैया सो गए और एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने सात्यकी को ललकारा, ये योद्धा है, इनको क्रोध आ गया, ब्रह्म राक्षस से लड़ना शुरू किया और वो इतना बड़ा हो गया राक्षस, दो घंटे सबकी जिम्मेदारी थी पहरेदारी की, 2 घंटे में ब्रह्म राक्षस से लड़ लड़ के सात्यकी जी थक गए। और जब बलराम जी की बारी आई वो ब्रह्म राक्षस फिर प्रकट हो गया। जितना दाऊ को क्रोध आए ब्रह्म राक्षस उतना ही बड़ा हो जाए। 2 घंटे लड़ते रहे, फिर कन्हैया की बारी आई, फिर ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। कन्हैया मुस्कुराए, उसने कहा आ जाओ, दो हाथ कर लो। कन्हैया बोले ये दो जने सो रहे हैं, हम एकांत में जाके लड़ेंगे, आओ जरा। कंधे पे हाथ रखा, मुस्कुरा के बोले क्यों ब्रह्म राक्षस, अकेले हो या ब्याह कर लिया, बाल बच्चे हैं कि नहीं? जैसे ही भगवान मुस्कुराए तैसे ही ब्रह्म राक्षस छोटा होता जाए। इतना छोटा हो गया कि वो कीड़े जितना रह गया। भगवान ने उसको पकड़ा और अपने पीताम्बर में गांठ लगा ली। क्या है ये ब्रह्म राक्षस? ये जिंदगी की समस्या है। अगर क्रोध से इनका सामना करोगे तो ये बहुत बड़ी हो जाएंगी, और मुस्कुराकर इनका सामना करोगे तो इनकी औकात कीड़े जैसी रह जाएगी। तो कभी समस्या को बड़ा नहीं मानना चाहिए, समाधान बनना चाहिए।